इतना सारा अवार्ड इसलिए भी मिला क्योंकि इतने सारे केसेस में नो कॉम्प्लिकेशन, नो मोर्टेलिटी, कोई मृत्यु नहीं। किडनी में स्टोन था, उनको रिसेंटली सीएबीजी बाईपास सर्जरी हुआ था, कुछ प्रॉब्लम था तो आए तो मैंने किया फर्स्ट में फोकस किया। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडिया लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि पटना का सत्यदेव सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को दिल्ली में इकोनॉमिक्स टाइम्स संस्था के द्वारा हेल्थ समिट अवार्ड का आयोजन किया गया था। उसमें इसको हॉस्पिटल को हॉस्पिटल ऑफ द ईयर यूरोलॉजिस्ट ईस्ट जोन ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया। वहीं हॉस्पिटल के डॉक्टर कुमार राजेश रंजन को यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया। हमने पटना के सत्यदेव सुपर हॉस्पिटल के डॉक्टर कुमार राजेश रंजन से बात किया है, क्या कुछ कहते हैं पहले आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर कुमार राजेश रंजन है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और ये मेरी वाइफ हैं डॉक्टर अमृता, जो कि एनेस्थेटिस्ट हैं, इंटेंसिविस्ट हैं। और हम लोग का हॉस्पिटल है सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बहुत खुशी की बात है कि अभी प्रतिष्ठित नवभारत इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा, जो कि दिल्ली में भी आयोजन हुआ था ITC में, तो वहाँ पे आयोजन हुआ था हेल्थ समिट अवार्ड करके, जिसमें हम लोगों ने अपना नॉमिनेशन डाला था। तो हमारे हॉस्पिटल को एक तो हॉस्पिटल ऑफ द ईयर इन यूरोलॉजी ईस्ट जोन इंडिया के से सम्मानित किया गया। और हम लोगों ने इसके लिए बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया कि हमारा हॉस्पिटल का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और तभी हमने उसको नॉमिनेट किया। ये अवार्ड सेरेमनी तो पहले भी होता था, लेकिन हमने अपना नॉमिनेशन नहीं डाला था क्योंकि मैं उस लायक अपने आप को नहीं समझता था। इस बार मैंने मेहनत करके, और जो भी होता है एक स्टैंडर्ड के अनुसार, मैंने अब तक अपने अपने हॉस्पिटल को बनाया और यूरोलॉजी के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में इसको स्थापित किया। हम लोगों ने काफ़ी केस किया, तो इस तरह से हम लोग का नॉमिनेशन हुआ था। और इस बार हॉस्पिटल ऑफ द ईयर इन यूरोलॉजी ईस्ट जोन के से हम लोग के हॉस्पिटल को नवाजा गया, सम्मानित किया गया। बहुत खुशी हुई, वहाँ किरण बेदी जी भी आई थी। किरण बेदी जी का भी बहुत अच्छा उनका भाषण रहा। हम लोग डॉक्टरों के बारे में उन लोगों को बताया, डॉक्टरों को भी प्रोत्साहित किया। दूसरा जो अवार्ड हम लोगों को मिला वो यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर नेशनल, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है। लास्ट ईयर मुझे यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर ईस्ट जोन के रूप में सम्मानित किया गया था, तो मैंने नॉमिनेशन इस बार भी भरा था। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि इतने पूरे इंडिया भर में बहुत लोगों ने नॉमिनेशन किया था और इस तरह से मुझे चुना गया और सम्मानित किया गया। ये बहुत खुशी की बात है कि अपने पटना से, बिहार से हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा सेवा दे सकें, बहुत ईमानदारी के साथ और उत्कृष्ट और हाई क्वालिटी का सर्विस दे सकें यहाँ के लोगों को। और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि क्वालिटी के साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि लोगों को बहुत अधिक जेब में प्रेशर ना पड़े, लोग बहुत अधिक खर्च ना हो, तो एक उचित दर पे। और अगर कोई बहुत गरीब भी रहते हैं तो हमारा यही ध्येय रहता है कि भाई उनको जितना, हमारा उद्देश्य यही है कि अगर वो इलाज कराना चाहते हैं, अगर मार्केटिंग करना और शॉपिंग इधर उधर करना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर एक बार मुझे लग गया कि उन्हें इलाज कराना है और उनको पैसे की दिक्कत है, पूरी कोशिश करते हैं कि उनको अधिक से अधिक मदद किया जाए। और हम लोग के यहाँ और भी है कि गरीबों के सेवा के लिए आयुष्मान भारत से हम लोग जुड़े हुए हैं। यूरोलॉजी से जितना भी समस्याएं हैं, ऑपरेशन है, वो सब हम लोग आयुष्मान भारत से करते हैं। आने वाले दिन में हम लोग का अप्रूवल मिल गया है, हो सकता है एक आध महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर जनरल सर्जरी, ICU केयर, मेडिकल मैनेजमेंट, डे केयर और गायनी, ये सब भी आयुष्मान से जुड़ जाएगा। और दूसरा जो हम लोग करते हैं ESI का करते हैं, ESI हॉस्पिटल, जो कि उसमें हम लोग का सारा ICU की सुविधा है और बहुत सारे ब्रांच उससे रिलेटेड है, उसका हम लोग सेवा देते हैं। तो ये सब गरीबों के लिए हैं, जो भाई आप कार्ड प्रेफर करते हैं, TPA, जो भी TPA धारक लोग हैं, जो इंश्योरेंस कराए हुए हैं, उनके लिए हमारे पास पूरी व्यवस्था है। हर तरह का ऑपरेशन, हर तरह का इंक्लूडिंग ब्रेन सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी तो हाई है, जनरल सर्जरी, गायनी, सब लोग, सबका यहाँ व्यवस्था हम लोग रखे हुए हैं। एक एडवांस और स्मार्ट ICU की व्यवस्था है हम लोग के पास, तो भी हम लोग बहुत अच्छे से सेवा देते हैं लोगों को उचित मूल्य पर, जितना भी हो सके। हम लोग कोशिश यही करते हैं
कि उनकी सेवा की जाए और बहुत सारा काम करते हैं पर वो अपने आप को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे राजेश का जो करियर का टर्निंग पॉइंट है उनका फेलोशिप जाके कोची में करना एडवांस लेप्रोस्कोपी और जो जर्मनी में भी और रीनल ट्रांसप्लांट का, वहाँ से उन्होंने जब आया तो मैं आपको बताती हूँ हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, पर उनका इस तरह का काम था ना, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ना कोई दलाल, ना कोई आजकल के छल प्रपंच और पैतरे, ये सब कुछ भी नहीं। जो उनका काम था ना वो एक आदमी से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे ही फैलता गया। और उनकी जो ऑपरेशन के पहले तैयारी रहती है एज ए एनेस्थेटिस्ट, एज ए डॉक्टर, नॉट एज ए वाइफ, मैं देखती हूँ कि वो प्री ऑप बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, इंट्रो ऑप उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है और पोस्ट ऑप भी वो कोई कॉम्प्लिकेशन होने नहीं देते हैं। तो यहाँ से इतना अच्छा काम, दाम भी बहुत कम, मुझे ऐसा इन्होंने कहा था, इन्हें पता भी नहीं, मतलब वो क्या होता है कि बाद में भी लोग कंसेशन करा लेते हैं, जो हमारा खर्च भी होता है वो जैसे लेजर में हुआ और बहुत सारा बास्केट हुआ, बहुत कई कई बार तो ऐसा हुआ है कि 7-7 लाख के जो इंस्ट्रूमेंट है वो टूट गए हैं कोऑपरेशन करने में, आज बहुत ज़्यादा कम, लेकिन फिर भी कोई गम नहीं, मुझे अच्छा काम करना है, जो फिर हम लोग अर्न कर रहे हैं उसी से कंपनसेट करते हैं। तो काम जितना भी, मतलब जितने एडवांस लेप्रोस्कोपी यूरोलॉजी में काम, दिल्ली में भी राजेश के जैसा एक्सपीरियंस तो देखे नेशनल लेवल पर मिला है, वहाँ पर जो सारा वो बैठा था तो वहाँ तो इकोनॉमिक टाइम्स में किरण बेदी और बाकी लोग पूछ रहे थे क्या आप लोग किसी ज्यूरी को जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो इनकी जितना 3 साल पहले यूरोलॉजी में सरसिप, 3 साल का MCH, उसके बाद इनका लेप्रोस्कोपी यूरोलॉजी में फेलोशिप, किडनी ट्रांसप्लांट में फेलोशिप और कई जगह घूम घूम के सब ट्रैवलिंग फेलोशिप, इतना सारा अवार्ड इसलिए भी मिला क्योंकि इतने सारे केसेस में नो कॉम्प्लिकेशन, नो मोर्टेलिटी, कोई मृत्यु नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। तो ये सारा जो समीकरण है ना, इतना कोई आगे आ पाएगा तब ना। और हम लोग अपना प्रचार मतलब करने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि हम लोग इतना बड़ा हॉस्पिटल भी कह रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं, तो फिर जबकि आजकल का डिजिटल मार्केटिंग में किसी को सपना तो आएगा नहीं, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, काम से एक से दो, दो से चार, लेकिन और अच्छा संकल्प लेके और अच्छा काम करना है। और अर्निंग से भी ज़्यादा मकसद है कि अच्छा काम करके एक मन को सेटिस्फैक्शन डॉक्टर राजेश को मिलती है, मैंने ये देखा, सबसे ज़्यादा कोशिश से सोते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया और पेशेंट अच्छा हो गए हैं। अच्छा, तो इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं और आप लोग का भी सहयोग रहे तो हम लोग बहुत इससे खुश हो जाएंगे। तो आपने सुना किस तरीके से सत्यदेव सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर कुमार राजेश रंजन ने खुशी जाहिर किया है, वहीं MD है जो हॉस्पिटल को, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से डॉक्टर कुमार राजेश रंजन जी जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उनका जो कार्य करने का शैली है काफ़ी सराहनीय और मरीजों को जिस तरीके से देख रेख करते हैं, वहीं हम लोग आने वाले समय में काफ़ी जो सुधार किए हैं उसकी वजह से ये हम लोग को हॉस्पिटल को सम्मानित किया गया, साथ ही राजेश कुमार रंजन जी को जो डॉक्टर हैं उनको सम्मानित किया गया है। और आने वाले समय में भी हम लोग अपने हॉस्पिटल के लिए जो भी काम है मरीजों को एक तरीके से मानवता धर्म से हम लोग काम करते रहते हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना से भी हम लोग इलाज लोगों का इलाज कर रहे हैं और आने वाले समय में भी और ज़्यादा प्रखर रूप से जो भी लोग हैं जो बाहर जाकर के इलाज कराते हैं अब उनको बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब यहीं पर भी किडनी संबंधित जो भी बीमारियां है उसका हम लोग अच्छी तरीके से इलाज करने में लगे हुए हैं। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।